अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू बियाज ऑब्सेशन। आज की जो टेक्निक है वो मेरी मॉम ने मुझे सिखाई है, इसलिए सारा क्रेडिट गोज टू माय मॉम। और इसके लिए जो आपको चाहिए वो है बस मेन इंग्रेडिएंट बैंगल्स। सो स्टार्ट करते हैं आज की बकेट। तो इसको बनाने के लिए आपको बैंगल्स चाहिए, कुछ पर्ल्स चाहिए और थ्रेड या वूल, कुछ भी, कोई भी मोटा थ्रेड आप इस्तेमाल कर सकते हैं इसमें। और उसमें से थोड़ा सा सेपरेट कर लेंगे ताकि डील करने में आसानी हो। अब हमने थ्रेड को एक बैंगल के ऊपर मतलब रैप करना है। वो कैसे करना है वो बहुत ईजी है। तो अब हमने स्टार्ट करना है। बैंगल हमने लेफ़्ट हैंड से पकड़नी है और एक फिंगर रख के हमने बैंगल में से पास कर लेना है थ्रेड और फिर उस फिंगर वाली में से भी पास कर लेना है थ्रेड। अगेन ऐसे ही काम करना है, बहुत इजीली हो जाएगा। फिर फिंगर रख के बीच में से गुजार के फिर उसके बीच में से गुजार देना है, फिर टाइट कर देना है बस। ठीक है, एक दो फिर एक फिंगर में से रख के फिर बीच में से गुजार के फिर बीच में से गुजार के, यानी कि बीच में से गुजार के बीच में से गुजार देना है बस, बात ख़त्म। और अब देखें इस तरह से स्टार्ट हो गया बनना। इसी तरह करते जाना है, जब भी आपको फ्री टाइम मिले आपने इसको लेके बैठ जाना है। इससे ये होगा कि आप एक पॉजिटिव एक्टिविटी में बिज़ी रहेंगे और फजूल या फिर ओवर थिंकिंग नहीं करेंगे। इस तरह खुद भी करें और अपने साथ बच्चों को भी लगा लें ताकि आप और बच्चे सब पॉजिटिव काम में बिज़ी रहें और टाइम भी अच्छा स्पेंड हो सके। तो इस तरह करके मैंने 6 बैंगल्स प्रिपेयर कर ली हैं। अब आप लोगों ने पर्ल्स ले लेने हैं, कोई से भी पर्ल्स ले लेने हैं, मैंने ये सिल्वर में ले लिए हैं। और थ्रेड ले लेना है, इसमें आपने ये पर्ल्स 1 by 1 फिल कर लेने हैं जितनी भी नीड हो अकॉर्डिंग टू बैंगल। तो अब मैंने एक इस साइड पे मैंने गिरा लगा लिया है पर्ल्स डाल लेने के बाद, फिर जितने और डालने हैं या निकालने हैं एडजस्ट करके दूसरी तरफ भी मैं यूँ गिरा लगा दूँगी टाइट करके। ठीक है जी, ये काम भी बहुत इजीली हो जाएगा। और इसी तरह मैं बाकी बैंगल्स को भी, सिर्फ एक छोड़ के बाकी 5 पे भी मैंने इसी तरह से बना लिया है। अब जो एक रह गया सेंटर में उसको मैंने एक तरफ से थ्रेड की यहाँ पे गिरा लगा लिया है और अब मैं इस तरह से इसको सबको पूरे को फिल करूँगी इसी थ्रेड के साथ। यहाँ से भी थोड़ा सा इधर ले लेना, वहाँ से थोड़ा सा उधर ले लेना, यहाँ से थोड़ा इधर कर लेना, वहाँ से थोड़ा उधर कर लेना है। इस तरह से मैंने ये पूरा बना दिया। अगर आप चाहें तो बाकी सारी बैंगल्स पे पर्ल स्किप करके सबको इस तरह से बना सकते हैं, एक बकेट ऐसी भी बन सकती है, एज यू विश। तो अब हम यहाँ पर अपनी बकेट को शेप देख के देख रहे हैं कि किस तरह से हमने इनको अटैच करना है। और ये अभी से बहुत प्यारी लग रही है। इसके बाद हम टिश्यू पेपर से फ्लावर्स बनाएंगे इजीली और ये और ज़्यादा अच्छी लगेगी उनसे। आप चाहें तो इसमें कोई भी चीज़ रख सकते हैं अपनी ज़रूरत की भी, या वैसे मेरी तरह फ्लावर भी रख सकते हैं। ग्लू गन यूज़ कर रही हूँ मैं यहाँ पर इसको जोड़ने के लिए। पहले मैंने शेप दे के रखा था और उसके बाद जैसे जैसे अकॉर्डिंग टू शेप मैं इसको लगा रही हूँ। एक नीचे ग्लू लगा रही हूँ और एक साइड पे लगा रही हूँ और इसको इसी थ्रेड से भी बांध के अटैच किया जा सकता है। लेकिन ग्लू गन से काम ज़रा मज़बूत हो गया था, बहुत मज़बूत बन गई थी ये। एज़ यू कैन सी ये बहुत स्ट्रॉन्ग बनी है और बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही है, बहुत प्यारी लग रही है ये। ये अब कंप्लीट हो गई है और इसके बाद बारी आती है टिश्यू पेपर से फ्लावर बनाने की। ये भी बहुत बहुत आसान टेक्निक है और इससे जो फ्लावर्स बनेंगे ना यू विल लव इट। सिंगल टिश्यू लेके उसके मैंने 4 फोल्डिंग बना ली हैं और इसकी साइड्स मैं कट कर दूंगी सीज़र से। अब इसको बनाने का तरीका देख लेते हैं। सिंपली हमने फोल्डिंग करनी है इस तरह से और फिर यहाँ से
और यहाँ से और लास्ट पे यहाँ से। अब जो थ्रेड हमने यहाँ सेंटर में लगाना है ना, वो ध्यान रखना है ज़्यादा टाइट ना हो, बस इतना हो कि ये बंध जाए, बस ज़्यादा टाइट नहीं हो। तो अब आप देखेंगे कि कितने सिंपल वे में बहुत प्यारा सा फ्लावर बन जाएगा, इसलिए हम फोकस करते हैं इसकी टेक्निक पे। मैंने यहाँ पे इसके कॉर्नर से यूं शेप बना दिया, बस ऐसे। और अब हमने इसको यहाँ से ओपन करना है और इसकी हर एक लेयर को सेपरेट करना है जितना हो सके आराम आराम से, क्योंकि ये टिश्यू है। अभी मैं आपको बताती हूँ ये किस तरह से सेपरेट होगा। हल्के हल्के ये फोर लेयर्स को हमने सेपरेट कर देना है बारी बारी, और दूसरी साइड से भी इसी तरह कर देना है ओपन हर एक को। ये इसकी फाइनल लुक है फ्लावर की, और ये बहुत बहुत प्यारा है, मानना पड़ेगा। अब मैं इस बकेट को डेकोरेट कर रही हूँ विद फ्लावर्स और लीव्स। आप चाहें तो पेपर के भी बना सकते हैं या रेडीमेड लीव्स भी ले सकते हैं, जैसे मैंने लिया है। अभी इसको इस तरह से एडजस्ट कर देंगे और ये तैयार और बहुत खूबसूरत। वाह, आइडिया पसंद आए तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और मुझे कमेंट में बताया करें कि मैं नेक्स्ट वीडियो किस चीज़ पे बनाऊं, ताकि मुझे आइडिया हो जाए कि आप लोग क्या देखना चाहते हैं। इसी के साथ ये एपिसोड ख़त्म होता है और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।